बच्चों, ये है हमारा लेक्चर नंबर 186 और हम कर रहे हैं चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। उसमें हम थे एक्सरसाइज 5.2 पे। 5.2 में क्वेश्चन 5 तक हमने कर लिया था, अब क्वेश्चन 6 देखते हैं। सो हमने जो एग्जांपल्स किए थे अब सब वही है, मतलब उसी के बेस पे ही है। क्वेश्चन 6 देखें। चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ एपी 11852। कह रहा है चेक करो कि -150 इस एपी का टर्म है। सो -150 को एन लोगे और ये एपी दिया हुआ है, 11 को ए लोगे, डी फाइंड करोगे, एन की फॉर्मूला लगाओगे, और अगर एन एक पॉजिटिव नेचुरल नंबर आता है तो यस, चेक करने बोल रहा है ना, चेक करना है तो यस, अगर नहीं आता है तो नो। ठीक है, सिर्फ इतना ही करना है आपको। सो हम करते हैं क्वेश्चन 6 का आंसर। ठीक है, सो क्वेश्चन 6 का आंसर देखते हैं। तो an क्या दिया हुआ है आपको, an दिया हुआ है इन्होंने, an इज इक्वल टू -150, और इन्होंने आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया 11852 .. ठीक है। सो हम क्या करेंगे, तो देखो ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो ये आपका a हुआ, सो a इज इक्वल टू 11। ठीक है, सो d क्या होगा, 8 - 11, सो d 8 - 11 है, प्लस माइनस माइनस, 11 में से 8 गए, 9, 10, 11, 3 बच्चे और साइन माइनस की, सो d इज इक्वल टू -3। तो a 11 आया, d आया -3। ठीक है, सो ये an दिया हुआ है, सो an इज इक्वल टू a प्लस n -1 इंटू डी। सो an क्या है, -50, a 11, एन माइनस वन, डी क्या है, -3। -50 11 प्लस है, इधर आएगा तो क्या होगा, -11, एन माइनस वन -3, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, सो 150 और 11 कितना होगा, 161, साइन माइनस की, एन माइनस वन -3, सो -161 अपॉन -3, माइनस माइनस कैंसिल, इसका कट शॉर्ट नहीं हो रहा है, आप देखो ट्राई करो, कट शॉर्ट नहीं हो रहा है इसका, तो 161 अपॉन 3 है, सो देयरफॉर 161 अपॉन 3, माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1। ठीक है, सो देयरफॉर इसका एलसीएम निकालेंगे, सो 3 - 1 = 3, एक्स 161 प्लस 3 अपॉन 3, तो देयर फोर 164 अपॉन 3, तो n इज इक्वल टू 164 अपॉन 3। ठीक है, इसको कट शॉर्ट करो, 3 164, 3 5 = 15, 3 4 = 12, 3 6 = 18, सो 54.6 आया आंसर, सो n इज इक्वल टू 54.6। तो देखो n है ना, ऐसे डेसिमल में पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। n कैसा होना चाहिए, n होना चाहिए पॉजिटिव नेचुरल नंबर, सो ये पॉसिबल नहीं है, तो इसने हमको बोला चेक करो, चेक करना है, सो नो, क्योंकि n ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, सो नो n इज नॉट अ टर्म ऑफ ap। ठीक है, -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ ap। ठीक है, अच्छा आप क्वेश्चन 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 क्या बोल रहा है आपको, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। 31st टर्म निकालना है आपको एपी का, जिसका 11th टर्म 38 है, 16th टर्म 73। आपको क्या फाइंड करना है, A31 दिया क्या हुआ है, A11 दिया क्या हुआ है, A16। ठीक है, ये दो चीजें दी हुई है और ये करनी है फाइंड। सो 7th नंबर,
31 फाइंड करना है आपको, और ए 11 दिया है 38, और ए 16 दिया हुआ है 73। ठीक है, तो यहाँ देखो, तो A11 क्या होता है, A प्लस 10 डी। सो A11 पर दिया क्या हुआ है 38। ये मैंने कैसे लिखा, ये मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला से ही लिख दिया, हमें पता है An इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी है। ठीक है, उसी तरह से A16 क्या होता है, A प्लस 15 डी। सो A16 क्या है, 73। ठीक है, सो देयरफॉर 73 इज इक्वल टू A प्लस 15 डी। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों पे एलिमिनेशन लगाएंगे। ठीक है, इन दोनों पे क्या करेंगे, हम एलिमिनेशन लगाएंगे। ठीक है, सो A प्लस 15 डी इज इक्वल टू 73, A प्लस 10 डी इज इक्वल टू 38। ठीक है, साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, सो A माइनस A, 15 में से 10 गए तो 5D, 73 में से 38 गए तो क्या होगा, 73 में से 38 गए तो चेक करते हैं। सो देखो 13 में से 8 गए, 13 में से 8 गए तो 5, 6 में से 3 गए तो 3। सो D इज इक्वल टू 35/5, 5 1 जा 5 7 जा, सो D इज इक्वल टू 7। ठीक है, D इज इक्वल टू 7 है, सो ये किसी में भी डालो, इसमें डालो या इसमें डालो। ठीक है, सो 38 इज इक्वल टू A प्लस 10 डी। सो 38 इज इक्वल टू A प्लस 10 डी, क्या है आपका 7। सो 38 इज इक्वल टू A प्लस 10, 7 जा 70। 38 माइनस 70 इज इक्वल टू A, प्लस माइनस माइनस हुआ। ठीक है, 70 में से 38 माइनस 32 इज इक्वल टू A, सो देयरफॉर A इज इक्वल टू माइनस 30। ठीक है, सो देखो D 7 मिला, A माइनस 32 मिला, तो अब आपको फाइंड क्या करना है, A 31। ठीक है, सो A 31 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 30D। आपको पता है ना, कभी भी ए एन हो तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जो नंबर है ना उसे छोटा, जैसे ए 31 तो ए प्लस 30D, ए 11 ए प्लस 10D, ए 16 ए प्लस 15D। ठीक है, सो ए 31 इज इक्वल टू ए प्लस 30D, तो ए क्या है माइनस 32, 30D क्या है 7। सो माइनस 32, 3 7 जा 21, सो 210 में से 32 जाएगा तो 10 में से 2 गया 8, 10 में से 3 गया 7, 178। ठीक है, सो 178। सो दिस इज योर आंसर, A 31 इज इक्वल टू 178। बच्चों एट्थ नंबर देखो, एट्थ नंबर बोल रहा है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, एक एपी के 50 टर्म्स हैं, थर्ड टर्म है 12, लास्ट टर्म है 106, फाइंड द 29th टर्म। मतलब एक एपी है उसमें टोटल 50 टर्म्स हैं, उसमें से थर्ड टर्म 12 है, लास्ट टर्म 106 है, फाइंड द 29th टर्म। तो अब यहाँ देखो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ऐसा तो कुछ खास ट्रिकी नहीं है, पर क्या बोल रहा है, एक एपी में 50 टर्म्स हैं, 50 टर्म्स मतलब उसका जो लास्ट टर्म है वो 50 है, 50 है। अब क्या बोल रहा है, थर्ड टर्म 12 है, मतलब A3 12 है, लास्ट टर्म, अब यहाँ देखो 50 लास्ट टर्म, इसका मतलब A 5106 है। ट्रिक यही है, इसने जो आपको एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स दिया है ना, इसने एक्चुअली आपको यही दिया, लास्ट टर्म इज 106, मतलब A 50 इज इक्वल टू 106 दिया है। तो फाइंड द 29th टर्म, आपको 29th टर्म फाइंड करना है।
ट्रिक यही है आपकी, ठीक है। इसने एक्चुअली लास्ट टर्म मतलब A5106 दिया है आपको, ठीक है। सो A312 A5106 फाइंड करना है आपको A29। सो हम कर रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8। A50 106, A312, फाइंड द 29th टर्म। तो अब इन दोनों को सॉल्व कर लो। ये तो आपको पता ही है कि A50 क्या होगा, A+49D, ठीक है। सो देयर फोर 106 इज इक्वल टू A+49D, ठीक है। इसको सीधा करके लिखो, A+49D इज इक्वल टू 106। अब यहां देखो A3 है आपका, A3 इज इक्वल टू 12, ठीक है। सो A3 इज इक्वल टू A+2D, ठीक है। A3 इज इक्वल टू A+2D, सो A3 क्या है 12, सो देयर फोर 12 इज इक्वल टू A+2D, सो देयर फोर A+2D इज इक्वल टू 12। सो ये हुआ सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड अब साथ में लिखेंगे, सो बाय 1 एंड 2। A+49D इज इक्वल टू 106, A+2D इज इक्वल टू 12, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। सो A और A कैंसिल, 49 में से 2 गए 47D, 106 में से 12 गए, 6 में से 2 गए 4, 10 में से 1 गए 9, ठीक है। सो D क्या होगा, 94/47, ठीक है। कट शॉर्ट करो, सो 47 1 जा 47 47 1 जा 47 47 2 जा 94, ठीक है। तो D इज इक्वल टू 94 आया, तो D इज इक्वल टू 2 आया, तो D इज इक्वल टू 2 की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डालो, इक्वेशन 1 में डालो या इक्वेशन 2 में डालो, D इज इक्वल टू 2, ठीक है। सो सब्स्टिट्यूटिंग D इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2, सो सब्स्टिट्यूटिंग D इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2, A+2D इज इक्वल टू 12, सो D की जगह 2 डालेंगे, सो A+2 2 जा 4 इज इक्वल टू 12, ठीक है। सो देयर फोर A इज इक्वल टू 12 माइनस 4, A इज इक्वल टू 8, ठीक है। सो A 8 है और D आपको 2 मिला था, सो देखो D 2 है A 8 है, तो आपको फाइंड क्या करना है, A 29। सो A 29 की वैल्यू क्या है, सो नाउ A29 इज इक्वल टू A+28D, सो A क्या है 8, 28, D क्या है 2, सो 8+28 2 जा 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 5 56, तो 56 और 8 कितने होंगे 64, सो A29 इज इक्वल टू 64, ठीक है। सो A29 आया हमारा 64। तो आपको क्या फाइंड करने बोला था, इन्होंने A29 ही फाइंड करने बोला था, ठीक है। सो 29th टर्म में 64, सो फाइनल आंसर, सो ट्वेंटी नाइन्थ टर्म इज 64, ठीक है। सो दिस वॉज योर 8th नंबर। अब देखते हैं 9th नंबर, सो 9th नंबर क्या बोल रहा है,
If the third and the ninth terms of an AP are 4 and minus 8 respectively, which term of this AP is 0? Which term is 0? So, मतलब which term मतलब n find करना है, क्या find करना है n. तो आप क्या करोगे, फिर से a और d find कर दोगे, फिर a और d की मदद से आप n find करोगे, ठीक है? इसने कहा है which term is 0, मतलब an 0 पे आप n find करोगे. So third term is 4 और ninth term is minus 8. So which term of this AP is 0? सो नाइन्थ टर्म में है ए थ्री है आपका 4 और ए 9 है माइनस 8. विच टर्म ऑफ दिस ए पी इज 0? सो विच टर्म इज 0? मतलब एन 0, एन 0 है तो एन क्या होगा, ठीक है? सो ए थ्री इज इक्वल टू ए प्लस 2d, ठीक है? तो ए थ्री क्या है, 4. सो 4 इज इक्वल टू ए प्लस 2d. सो देयर फोर ए प्लस 2d इज इक्वल टू 4, ठीक है? फिर ए 9 इज इक्वल टू माइनस 8 है. सो ए 9 इज इक्वल टू ए प्लस 8d. सो ए 9 माइनस 8 है. सो देयर फोर माइनस 8 इज इक्वल टू ए प्लस 8d. सो देयर फोर ए प्लस 8d इज इक्वल टू माइनस 8. इन दोनों को रखो साथ में. नाउ ए प्लस 2d इज इक्वल टू 4, ए प्लस 8d इज इक्वल टू माइनस 8. साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस प्लस. सो ए माइनस ए कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 2 गए 6, साइन बढ़ेगी. माइनस 60 प्लस 8 प्लस 4, 8 प्लस 4 12. सो डी इज इक्वल टू 12 अपॉन माइनस 6. डी फाइंड करना है ना. सो 6 वन जा 6 टू जा. सो देयर फोर डी इज इक्वल टू माइनस 2. डी इज इक्वल टू माइनस 2 की वैल्यू कोई भी इक्वेशन में डालो, इसमें डालो, इसमें डालो, ठीक है? सो मैं डालती हूँ इस इक्वेशन में. सो इक्वेशन 1 में, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2. सो इक्वेशन 1 में डालेंगे. सो ए प्लस 2d इज इक्वल टू 4. सो डी है माइनस 2. सो देयर फोर 2 जा 4, प्लस माइनस माइनस, माइनस 4. ए इज इक्वल टू 4 प्लस 4, देयर फोर ए इज इक्वल टू 8. तो देखो आपको डी माइनस 2 मिला है, ए 8 मिला है, ठीक है? तो आपको करना क्या है, आपको n फाइंड करना है. किस पे फाइंड करना है, देखो इन्होंने क्या दिया है आपको, ए एन इज इक्वल टू 0. आपको ए एन की फॉर्मूला लगा देनी है, फिर आपको a और d डालना है और an की जगह 0 डालना है, ठीक है? सो ये d और a का यूज करेंगे अभी हम. सो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d. तो an क्या है, 0, ठीक है? a की वैल्यू क्या है, 8 प्लस n माइनस 1, d क्या है, माइनस 2. सो देयर फोर 8 इधर है तो उधर जाएगा, तो माइनस 8. सो 0 माइनस 8 इज इक्वल टू एन माइनस 1 माइनस 2. सो देयर फोर 0 माइनस 8, 0 में से माइनस 8 गए तो माइनस 8 ही बचे. माइनस 8 इज इक्वल टू एन माइनस 1 माइनस 2. माइनस 2 डिवाइड होगा, माइनस 8 डिवाइड माइनस 2 इज इक्वल टू एन माइनस 1, ठीक है? माइनस माइनस कैंसिल, 2 वन जा 2, 4 जा. सो देयर फोर 4 इज इक्वल टू एन माइनस 1. माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस 1. 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 5. सो देयर फोर एन इज इक्वल टू 5, ठीक है?
एन पाई कैसे आया, हमने ए एन की जगह जीरो डाला, क्यों डाला क्वेश्चन में दिया है, ए एट फाइंड किया, डी माइनस टू दिया है, ए एन जीरो क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। सो हमने एन पाई फाइंड कर लिया। सो क्वेश्चन क्या था, विच टर्म ऑफ दिस ए पी, सो फिफ्थ टर्म ऑफ दिस ए पी इज जीरो। अब यहाँ देखो टेंथ नंबर थोड़ा सा आपकी इंग्लिश को टेस्ट करता हुआ क्वेश्चन है। टेंथ नंबर, टेंथ नंबर क्या बोल रहा है, द सेवनटींथ नंबर ऑफ एन एपी, एक सेवनटींथ टर्म ऑफ एन एपी है, एक्सीड्स इट्स टेंथ टर्म बाय सेवन, वो अपने टेंथ टर्म से कितना ज्यादा है, सेवन ज्यादा है। सो सेवनटींथ टर्म एक्सीड्स इट्स टेंथ टर्म बाय सेवन, एक्सीड्स इट्स टेंथ टर्म बाय सेवन, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, डी फाइंड करना है, ठीक है। सो टेंथ नंबर करेंगे, टेंथ नंबर में देखें, सो टेंथ क्या बोल रहा है, सेवनटींथ टर्म ऑफ एन ए पी, इसका मतलब ए सेवनटीन, एक्सीड्स मतलब, एक्सीड्स मतलब ज्यादा है, किससे ज्यादा है, एक्सीड्स इट्स टेंथ टर्म, मतलब टेंथ टर्म से ज्यादा है कितना, सेवनटीन, ठीक है। सो ये क्वेश्चन है आपका कि सेवनटींथ टर्म ऑफ एन ए पी एक्सीड्स इट्स टेंथ टर्म बाय सेवन, फाइंड क्या करना है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस का मतलब डी फाइंड करना है, ठीक है। सो यहाँ देखो ये आपको इक्वेशन दी है क्वेश्चन में, क्वेश्चन पढ़ पढ़ के हमने ये बनाया, ठीक है। तो आपको ए सेवनटीन और ए टेन यहाँ लिख देना है, ठीक है। सो ए सेवनटीन क्या होगा, ए प्लस सिक्सटीन डी, ए टेन क्या होगा, ए प्लस नाइन डी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू भी इसमें डालो, इसकी वैल्यू भी इसमें डालो, ठीक है। सो देयर फोर ए प्लस सिक्सटीन डी इज इक्वल टू ए प्लस नाइन डी प्लस सेवनटीन, ठीक है। सो देखो यहाँ पे ए के साथ ए कैंसिल करो, ए के साथ ए कैंसिल किया, ठीक है। तो 9d इधर आएगा, सो 16d में से 9d गया, सो 16 में से 9 गया, 16 में से 9 गया तो क्या होगा, 7d, अच्छा 7 है, 17 नहीं है, क्वेश्चन में 7 दिया हुआ है, यहाँ पे 7 दिया हुआ है कि a 17 exceeds its 10th term by 7, 7 है, ठीक है। सो यहाँ देखो a 17 is equal to a 10 plus 7 है, सो यहाँ हमने a 17 की जगह वैल्यू कौन सी डाली, a plus 16 d, a 10 की जगह वैल्यू क्या डाली, a plus 9 d plus 7, ठीक है। सो तो देयर फोर डी इज इक्वल टू 7/7, सो डी इज इक्वल टू 7 1 7 1 डी इज इक्वल टू 1, सो यही तो मांग रहा है। सो देयर फोर कॉमन डिफरेंस इज 1। बच्चों 11th नंबर देखो, 11th नंबर है फिर से, विच टर्म ऑफ ए पी 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, विच टर्म ऑफ द ए पी, मतलब एन फाइंड करना है, ए पी है ये 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर, 132 मोर मतलब 132 मोर मतलब प्लस, सो मोर देन इट्स 54th टर्म, विच टर्म ऑफ ए पी, सो विच टर्म ऑफ ए पी मतलब आपको एन, ठीक है। सो एन इज इक्वल टू 132 प्लस ए 54, सो 11th नंबर विच टर्म ऑफ ए पी मतलब एन फाइंड करना है, ए पी क्या दिया हुआ है 3, 15, 27, 39 क्या दिया हुआ है, विच टर्म ऑफ ए पी will be 132 more, 132 more than its 54th term, 132 more है, so an is equal to 132 more than its 54th term, मतलब a 54 plus 132, ठीक है।
सो ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है ना कि 132 मोर देन इट्स 54 टर्म, इसका नहीं ये हुआ, ठीक है, ये इन्होंने आपको दिया हुआ है। तो अब यहाँ देखो एन की फॉर्मूला क्या होती है, नाउ एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ए क्या है और डी क्या है, सो देखो ए क्या दिया हुआ है, थ्री, ठीक है, सो ए है आपका थ्री, डी क्या होगा 15 माइनस थ्री, ठीक है, सो 15 माइनस थ्री 12, तो यहां पे ए की जगह थ्री और डी की जगह 12 डालेंगे, सो एन इज इक्वल टू ए एन की वैल्यू क्या है, थ्री प्लस एन माइनस वन इंटू 12, ठीक है। अब इसमें डालो थ्री प्लस एन माइनस वन 12, ए एन की जगह डालो, नाउ ए एन इज इक्वल टू ए 54 प्लस 132, ए एन की जगह क्या डालेंगे, थ्री प्लस एन माइनस वन 12, देयर फोर थ्री प्लस एन माइनस वन 12, ए 54 क्या है, ए 54 क्या होगा, ए प्लस 53D, ठीक है, ए प्लस 53D होगा, पर D क्या है 12, ठीक है, प्लस 132। देखो यहाँ पे ए 54 ये कहाँ से आया, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में इन्होंने दिया हुआ है कि भाई विच टर्म ऑफ एपी इज 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, ठीक है। सो आपने क्या किया, आपने यहाँ पे देखो आपने आपको एन फाइंड करना है, सो ये सारा एपी दिया हुआ है, ठीक है, सो ए की जगह थ्री, डी होगा 15 माइनस थ्री 12, ये क्वेश्चन में है, सो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, सो ए क्या है आपका थ्री है और डी क्या है 12 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए एन इज इक्वल टू ए 54 प्लस 132, सो ए एन क्या होगा, थ्री प्लस एन माइनस वन 12 इज इक्वल टू ए 54 ए प्लस 53D प्लस 132, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू और डी की वैल्यू डालो, सो देयर फोर थ्री प्लस एन माइनस वन 12, ए क्या है थ्री प्लस 53, डी क्या है 12, 53 12 प्लस 132, ठीक है, सो देयर फोर 3 3 कैंसिल, सो एन माइनस वन 12, फिफ्टी थ्री ट्वेल्व जा करेंगे 636 होगा प्लस 132, सो देयर फोर एन माइनस वन 12, 636 और 132, 6 प्लस 2 8, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 1 7, सो एन माइनस वन 12 जाएगा डिवाइड में, ठीक है, सो एन माइनस वन 768 अपॉन 12, ठीक है, सो 12 वन जा 12, 12 सिक्स जा 72, 4 बचा, 12 फोर जा 48, एन माइनस वन इज इक्वल टू 64, सो देयर फोर एन इज इक्वल टू माइनस वन उधर गया तो प्लस वन, सो देयर फोर एन इज इक्वल टू 65, 64 प्लस वन 65, सो एन इज इक्वल टू 65 इज द आंसर। सो क्वेश्चन पूछ रहा है विच टर्म, सो 65th टर्म, ठीक है, देखो आपको n फाइंड करना है, सो ये देखो ये आपका ap दिया हुआ है 3 15 27 39, an आपको दिया हुआ है, an इज इक्वल टू a 54 प्लस 132, a 3 है, d 15 माइनस 3 12 हुआ,
सो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. ए एन ए क्या है 3 प्लस एन माइनस वन डी क्या है 12. ठीक है. सो ए एन इज इक्वल टू ए 54 प्लस 132. ये कहाँ से आया? ये क्वेश्चन में से आया. ठीक है. सो ए एन क्या है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू ए प्लस 53 डी प्लस 132. ठीक है. सो ए 3 है, यहाँ पे भी ए 3, 3 3 कैंसिल. एन माइनस वन 12 इज इक्वल टू 53 डी. डी क्या दिया हुआ है? डी दिया हुआ है 12. ठीक है. सो यहाँ 12 आएगा, यहाँ 12 आएगा 132. ठीक है. सो एन माइनस वन 12 इज इक्वल टू 53 12 जा 636 प्लस 132. 636 और 132 कितना होगा? 768. तो एन माइनस वन 12. 12 यहाँ मल्टीप्लाई में, नीचे जाके क्या होगा? डिवाइड. सो एन माइनस वन 64. सो एन इज इक्वल टू 64 प्लस 1. सो एन इज इक्वल टू 65. 65th टर्म ऑफ एपी. सो ये हुआ हमारा 11th नंबर. अब हम देखते हैं 12th नंबर. सो 12th नंबर देखते हैं. 12th नंबर बोल रहा है टू APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस. दो AP हैं, दोनों का D सेम है. द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100. दोनों के बीच, दोनों के 100th टर्म का डिफरेंस 100 है. वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म्स. ठीक है. सो दो APs हैं, दोनों का D सेम है. दोनों का D सेम है मतलब दोनों का A डिफरेंट होगा. ठीक है. A डिफरेंट है और आप ए 100th टर्म दिया हुआ है 100. डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स. तो ये जो दिया हुआ है पहले हम समझने का ट्राई करते हैं. दो APs हैं, उनका कॉमन डिफरेंस सेम है मतलब दो APs का डी सेम है. और एक सिंपल बात बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म मतलब उन दोनों APs का 100 टर्म का डिफरेंस 100 है मतलब इज इक्वल टू 100. दोनों के 100 टर्म को माइनस करोगे तो 100 आएगा. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स. तो उसके 1000 टर्म का माइनस क्या होगा. 12th नंबर क्या बोल रहा है? 12th नंबर बोल रहा है कि भाई दो APs हैं, उनका सेम कॉमन डिफरेंस है. सो दो APs हैं, टू APs हैं, उनका कॉमन डिफरेंस क्या है? डी क्या है? सेम है. ठीक है. तो उनका जो फर्स्ट टर्म है मतलब ए है, ए डिफरेंट है. सो लेट ए एंड ए डैश बी द फर्स्ट टर्म ऑफ द APs रिस्पेक्टिवली. ठीक है. सो द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100. दोनों के बीच के डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म. सो 100th टर्म डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100. तो डोनर के बीच के 100 टर्म का डिफरेंस क्या है? 100. ठीक है. सो ए 100 क्या होगा? ए 100 होगा ए प्लस 99D. और ए डैश 100 क्या होगा? ए डैश 100 ए डैश प्लस 99D. ए प्लस 99D साइन चेंज होगा अभी अंदर. सो माइनस ए डैश माइनस प्लस माइनस 99D इज इक्वल टू 100. ठीक है. सो 99D और माइनस 99D कैंसिल. सो देयर फोर ए माइनस ए डैश इज इक्वल टू 100. इसको वन दो. ठीक है. अब इसने क्या पूछा है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स. ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स. इसका आंसर क्या होगा?
सो देखो 8000 क्या होगा, 8000 है ए प्लस 999 डी, पता है ना, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। तो 8000 ए प्लस 999 डी माइनस ए डैश प्लस 999 डी, ठीक है। सो देयर फोर ए प्लस या इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू ए प्लस 999 डी, ब्रैकेट ओपन करोगे तो साइन चेंज होगी, ठीक है। सो 999 डी और 999 डी कैंसिल, प्लस 999 डी माइनस 999 डी, सो इज इक्वल टू ए माइनस ए डैश, पर ए माइनस ए डैश की वैल्यू क्या है 100, सो 100 आंसर आया। सो 8000 माइनस ए डैश 1000 क्या होगा, 100 होगा, ठीक है। सो ये हुआ हमारा 12th नंबर, ठीक है। सो डिफरेंस बिटवीन द 1000th टर्म इज 100, सो डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म इज 100, ठीक है। सो ये था आपका 12th नंबर। 13th नंबर देखो, हाउ मैनी थ्री डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। सो हाउ मैनी थ्री डिजिट मतलब n फाइंड करना है, n थ्री डिजिट नंबर 7 से डिवाइड होने वाले थ्री डिजिट नंबर, थ्री डिजिट नंबर मतलब 100 से चालू होते हैं। सो 100 से चालू होते हुए नंबर्स जो कि 7 से डिवाइड करें वो कितने होते हैं। तो सबसे पहले क्या 100 7 से लगता है, 100 करके देखो 7 से डिवाइड नहीं लगता है, फिर 101 करके देखो वो भी नहीं लगता है, फिर 102 को 7 से डिवाइड करके देखो नहीं लगता है, 103 को भी डिवाइड करके देखो 7 से वो भी नहीं लगता है, 104 को डिवाइड करो वो भी नहीं लगता है, 105 हाँ 105 7 से डिवाइड होता है। सो हमारा सबसे पहला टर्म क्या होगा 105। तो सबसे पहले हम एपी तैयार करेंगे थ्री डिजिट नंबर्स की, ठीक है, हमें एन फाइंड करना है पर उसके लिए पहले हम एपी तैयार करेंगे, ठीक है। सो 13th नंबर, लेट एन बी द थ्री डिजिट नंबर्स, डिविजिबल बाय 7, ठीक है। सो इसकी कैसे बनेगी, सो देखो 105 प्लस 7 करो, स्टार्टिंग मिल गई ना फिर तो चिंता ही नहीं, फिर 105 में 7 प्लस करो सो 112, फिर 7 प्लस करो 119, फिर 100 प्लस 7 प्लस करो 126, फिर 7 प्लस करो 133, तो अब यहाँ क्या होगा, तो देखो ए क्या है आपका 105, डी क्या है 112 माइनस 105। ये देखो ये आपने एपी तैयार की, कैसे तैयार की, क्वेश्चन में क्लियर दिया हुआ है कि थ्री डिजिट नंबर है डिविजिबल बाय 7 है, तो एपी तैयार हो गई। सो डी है 100 तो 7 हुआ, ठीक है। सो बस आपको एन फाइंड करना है, एन लगा दो, सो ए एन इज इक्वल टू, अच्छा आप ए एन लगाओगे आपको एन फाइंड करना है, तो ए एन मतलब लास्ट टर्म, तो यहाँ आपको लास्ट टर्म भी पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ बहुत ही क्लियर लिखा है थ्री डिजिट नंबर, तो थ्री डिजिट नंबर 100 से चालू होते हैं और 999 पे पूरे होते हैं 999, तो क्या 999 7 से डिवाइड होता है, नहीं होता है, फिर 998 होता है, नहीं होता है, 997 होता है डिवाइड नहीं होता है, ये सब कैसे आप करके देखना, 996 होता है नहीं होता है, 995 7 से डिवाइड होता है नहीं होता है, 994 होता है, सो 994 ये हमारा लास्ट टर्म है, क्यों,
क्योंकि हम तीन डिजिट्स थ्री डिजिट्स की हमको चेन बनानी है, सेवन से डिवाइड होते हुए थ्री डिजिट्स की चेन। सो देखो सेवन वन जा सेवन, दो सेवन फोर जा ट्वेंटी, सेवन टू जा, तो ये होता है ठीक है। सो नाउ ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सो ए एन क्या है 994, ए क्या है 105, एन आपको फाइंड करना है और डी है 7। सो 994 माइनस 105 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू सेवन। सो 994 में से 105 गए तो क्या बचेगा, सो 994 में से 105, 14 में से 5 गए 9, 8, तो 889। सो 889 7 डिवाइड पे लेके आएंगे, सेवन वन जा सेवन, वन बचा, सेवन टू जा फोर्टीन, सेवन सेवन जा 49। सो देयर फोर 127 इज इक्वल टू एन माइनस वन, ठीक है। सो देयर फोर माइनस वन उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस वन, सो 127 प्लस वन इज इक्वल टू एन। सो देयर फोर 128 इज इक्वल टू एन, सो देयर फोर एन इज इक्वल टू 128। सो क्या बोल रहा है कि कितने थ्री डिजिट नंबर्स होंगे जो सेवन से डिवाइड होंगे, सो 128 थ्री डिजिट नंबर्स, कितने नंबर्स होंगे, सो 128 थ्री डिजिट नंबर्स विल बी डिविजिबल बाय सेवन, ठीक है। सो ये हुआ आपका 13th नंबर, ठीक है। सो विद दिस आई एम एंडिंग अवर टुडेज लेक्चर। सम्स सारे एक से एक वैरायटी है, सम्स में बहुत ही वैरायटी ऑफ सम्स हैं। सो आई विल सजेस्ट यू वीडियो को एटलीस्ट दो तीन बार ही देखना, डू द क्लास वर्क प्रॉपरली, क्लास वर्क बहुत अच्छे से करना। सो डू द क्लास वर्क वन टाइम एंड डू द होमवर्क वन टाइम टू, ठीक है। ये होमवर्क बहुत ध्यान से करा करो और खुद करा करो, डोंट कॉपी इट, ठीक है। सो तभी कुछ बेहतर होगा आपका, इफ़ यू कॉपी इट देन देयर इज नो नीड, कोई ज़रूरत ही नहीं है फिर क्यों कर रहे हो। इफ़ यू आर डूइंग बहुत ही अच्छे से करना, ठीक है। सो डू ईच एंड एवरी थिंग वेरी प्रॉपरली एंड व्हाट्सएप मी, थैंक यू।